ओके सो इट्स 5:05, 5:05 एंड एज यू ऑल नो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करते हैं, 5 मिनट जो आप टाइम देते हैं। सो मैं हूँ डॉक्टर नयन बिड़ा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मुझे जानते ही होंगे, जो नए हैं यहाँ पे मैं हूँ डॉक्टर नयन बिड़ा और ऐसा दड़ी फाउंडेशन की ओर से उनकी तरफ से मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में, हाउ टू बी डिजिटल सिक्योर्ड, इन्हें डिजिटल सुरक्षा कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए उसमें हम बात करेंगे आज। निखिल माडलेश्वर जी हमारे जो पुराने मित्र है और डिजिटल एक्सपर्ट्स है, डिजिटल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है, काफी काम करते हैं इस एरिया में, तो वो आज अपनों को सिखाएंगे हम सबको कि हमको कैसे सुरक्षित रहना चाहिए इस डिजिटल के जमाने में। तो जस्ट टू गिव लिटिल, जो लोग नए हैं, एसआरडी फाउंडेशन एक टीचर एम्पावरमेंट और टीचर वेलफेयर के लिए काम करती है। हम लोग ने कुछ आई थिंक अप्रैल से, इस साल के अप्रैल से हमने हमारी एक्टिविटी शुरू की थी और कुछ 8 महीने हुए और 8 महीने में हमने काफ़ी टीचरों का प्यार, उनका सम्मान, उनका रिस्पेक्ट, ट्रस्ट हमको मिला है, जिसके लिए हम सबका आभारी है, थैंक यू सो मच। एवरी वीक हम ये वेबिनार्स का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, नए नए टॉपिक्स के साथ, नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपके पास आपको हम सिखा करेंगे, आपको एम्पावर कर करेंगे और कुछ और भी एक्टिविटीज हम लाइनअप किए हैं जो मैं आपको बाद में अनाउंस करूंगा। जो हमारे जो एक्टिविटीज हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस चालू हो गए हैं तो हम एक्चुअली फिजिकली एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट हम टीचर टॉक ऐप पे टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो अगर आपने के पास टीचर टॉक ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, नया जिसके पास है पुराना वो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नया वर्जन आ गया है टीचर टॉक का, तो उसमें आपको काफी कुछ जानकारी मिलेंगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए निखिल जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड देन यू कैन स्टार्ट एंड प्लीज कीप योर मीडियम इंस्ट्रक्शन इन हिंदी पॉसिबल। ओवर टू यू निखिल। सो थैंक यू वेरी मच नयन जी एंड थैंक यू वेरी मच दलवी फाउंडेशन सो टू इनवाइट मी for this digital security session. So myself, Nikhil Madeshwar, I am a certified security analyst, computer hacking forensic investigator, and ISO 27001:2013 ISMS lead auditor, as well as a certified threat intelligence analyst. Till now, I have trained more than 50,000 people all over schools, colleges, police stations, lots of government organizations, lots of non-government organizations, and corporates. And I am also consultant to lots of public and private law enforcement agencies and different corporates as well. And I do consult lots of security products and companies. Security consultant or as a visitor security consultant. And I'm also into some syllabus development committees and I'm official faculty for some of the cyber law colleges in Mumbai as well. So I do design and I take, sessions as per the curriculum of the universities. Also, I have innovated 2-3 cybersecurity products, which are available on the cyberspace. I mean, Play Store and App Store. And I do also write in lots of newspapers, and I speak on news channels and radio interviews over cybersecurity. So this was my just a short introduction about myself. And we'll start for today's session. So thank you again for the organizers for organizing this type of program and creating awareness about cyberspace, which is required and which is the need of the hour. That is what just rightly Nayanji said. Nowadays, it is just growing like anything. And when the cybercrime is growing like anything, we have to be aware about it. सो जस्ट लाइक जैसे पहले क्या होता था, इट्स लाइक भीड़ जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे क्राइम होता था और दैट्स व्हाट द साइकोलॉजी ऑफ द पुलिस इज कि वो पुलिस पहले सबको भीड़ जहाँ जहाँ पे वहाँ पे भीड़ निकाल देती थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्राइम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जहाँ पे भीड़ होती है। तो वैसे क्या हुआ कि वॉट इज दिस ट्रांजिशन वेयर द साइबर क्राइम का ये जो रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो ये ट्रांजिशन आया
हम लोग एक जमाना था जब भी हम लोग महीने का 1 GB यूज करते थे डेटा, सो मंथली 1 GB, एंड टुडे वी आर डेली यूजिंग 2 GB 3 GB और वो भी कम पड़ रहा है. आई होप आई एम ऑडिबल राइट? ऑडिबल ओके. सो बेसिकली महीने का 1 GB एंड नाउ दिन का 2 GB एंड 3 GB 3 GB का डेटा यूज कर रहे हैं. नाउ एज यू हैव गॉट lots of internet space, you are again the users बढ़ गए. उसके बाद क्या हुआ, users बढ़ने के बाद application की usage बढ़ गया, online education बढ़ गया, online entertainment बढ़ गया, online transactions बढ़ गए. उसी तरीके से online frauds भी बढ़ गए, because जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे crime होता है, and this is what one of the example is of cyber space. So यहाँ पे भीड़ हो गई और यहाँ पे cyber crime बढ़ गया. So एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम, पहले क्या होता था सब कुछ लैपटॉप पे चलता था, अभी टैब पे चलता है, मोबाइल पे चलता है, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस. फ्रॉम ई कॉमर्स पीपल आर मूविंग टू एम कॉमर्स, फ्रॉम लैपटॉप्स पीपल आर मूविंग टू मोबाइल, एंड नाउ वी आर सो मच डिपेंडेंट, एडिक्टेड. And we can say it's like a part of our body, our mobile phone, our laptop, our asset. We just cannot live without it. And recently I have written an article about like what are the symptoms of mobile addiction and how you can get out of it, and what are the security threats basically. So I, as per the security perspective, that is what I have written. एंड जो अभी जो जनरेशन आ रही है वो अपने से ज्यादा होशियार है, मतलब आपके बच्चे को आपसे ज्यादा मोबाइल में क्या है वो समझता है. आई अंडरस्टैंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, बट एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं फोन में वो देखना भी हमारा एक काम है. सो आई जस्ट स्टार्ट विथ 2-3 बेसिक थिंग्स एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन. एंड ऑल्सो जैसे सर ने बोला कि नेक्स्ट वीक भी मेरा एक सेशन, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट आर द थ्रेट्स एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट बेसिकली विच यू मे फेस, एंड देर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी फेस्ड, एंड बेसिकली लॉट्स ऑफ पीपल कम टू मी अबाउट सजेशन अबाउट एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम और साइबर एक्टिविटीज. देर आर लॉट्स ऑफ केसेस which I share, so I'll share that next week in the next week session. So today I'll just share my screen and we'll start with our today's topic, that how to be digitally secured. So to be digitally secured, we need to understand what are the exactly digital threats. So I'll just start with that topic and we'll move. So this is what the digital threats scenario is. So our honorable Prime Minister, when he was just delivering a speech in NASSCOM, NASSCOM's anniversary session. So he just told ki he has visited lots of countries, और बहुत सारे देशों के जो PM है या national heads है, उन्होंने उनको एक ही बोला है कि कंप्लीटली देर इज अ फियर ऑफ साइबर क्राइम, देर इज ओनली वन फियर विच इज ऑफ साइबर क्राइम टू योर कंट्री. एंड ही एज अ क्लाइंट, उन्होंने वो एक सोल्यूशन बेस्ड मांग कर रहे थे कि ऐसा कुछ सोल्यूशन है क्या कि जो एज अ क्लाइंट करके मुझे आप यंगस्टर्स दे सको कि जो विच इज अ फुल प्रूफ सोल्यूशन, बिकॉज वो टाइम दूर नहीं है कि लोग बोलेंगे कि मेरा लेट्स से वी कैन से मेरा कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं, मेरे डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं. एंड देर इज दिस इज द सिचुएशन, अगर आप कोई भी साइबर सेल जाओ, कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन जाओ, देर आर लॉट्स ऑफ फाइल्स एंड फाइल्स कि जहाँ पे ये सब चीजें है ऑलरेडी. सो एंड ऑल्सो इज अनदर स्टेटमेंट इन वन ऑफ द फंक्शंस वॉज कि अभी जो चोरी होने वाली है वो पहले क्या करते थे, वो पॉकेट मार जो होते थे वो पॉकेट आपका जो पर्स चोरी कर लेते थे. अभी इट इज वेरी सिंपल, दे गेट मनी फ्रॉम ई वॉलेट. सो ये जो आपका वॉलेट है वही ई वॉलेट हो गया, सो उसका क्राइम ऑफ मोड भी चेंज हो गया है.
So same statements by another people also. So क्या होता है जब भी हम लोग कोई permission देते हैं कोई specifically let's say एक app download करते समय we give all the permissions like contacts, SMS, call logs, we can say camera, microphone, each and every permission, device location, call history and everything. And we do click on I accept. अगर वो permission को detail से अगर हम study कर रहे settings में जाके तो आप देखेंगे तो आपके फोन का वाइब्रेशन मोड कंट्रोल करने से लेके आपका फोन अनलॉक करने तक और आपके फोन में कितने अकाउंट्स है उसको ऐड करने से डिलीट करने तक सभी के परमिशन अगर देखेंगे तो हम लोग दे देते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. एंड ऐसे बहुत सी ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जिसको आप परमिशन देते हैं. मुझे तकलीफ इससे नहीं है कि वो आप ऐप को परमिशन देते हैं, लेकिन आप जो ऐप्स को परमिशन दे रहे हैं वो ऐप आपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किए हैं या नहीं किए हैं, दैट वी डोंट नो. और अगर नहीं किए हैं तो उसका थ्रेट क्या क्या हो सकता है उसको उसके ऊपर हम लोग आगे आएंगे. बट आप यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ परमिशन यू आर गिविंग टू विच एप्लीकेशंस इन योर फोन. देर आर टाइम्स वेर यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ एप्स देर आर प्रेजेंट इन योर फोन. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. There is an application called as WeChat. So I'll just give you an example. So if you Wikipedia पे अगर आप सर्च करेंगे WeChat के बारे में तो Wikipedia में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि this application named as WeChat basically has so there are lots of controversies over it and the tech giant Tencent basically is the owner of this application WeChat and this Tencent sells lots of data to the Chinese government basically. And NSA, National Security Agency of America, and our intelligence bureau has flagged this as a sort of flying spying app. And we can say these are all the permissions which are taken by this apps too. And ये जो Tencent है, this is the same company which is behind the famous game PUBG. जो PUBG करके फेमस गेम था और जिसकी क्रेज थी लोगों में और बच्चों में. अभी तो बहुत सारे गेम्स आ गए PUBG के जैसे, बट द क्रेज विच वॉज मतलब लोग तो चिपक के रहते थे फोन से और स्टूडेंट्स वर सो एडिक्टेड, चिल्ड्रन वर सो एडिक्टेड एंड द ओनर ऑफ दिस वॉज Tencent गेम्स. So let's talk about the identity frauds. क्या होता है let's say कि बहुत सारे fake documents या ये जो होते हैं ये बहुत सारे use होते हैं. आप अगर Google पे जाके search करेंगे Indian election card, Indian आधार card, Indian pan card, you will get like this. ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद ही insecure storage में काम करते हैं. लेट्स से हमने बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं जो नोट्स में स्टोर करके रखते हैं. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग फोटोज क्लिक करके रख देते हैं वहां पे और उसको कुछ सिक्योरिटी नहीं होती, उसको कुछ लॉक नहीं होता है. मैक्सिमम देयर आर पीपल हु आई नो सब कुछ उठा के गूगल ड्राइव में अपलोड करके सेव करके रख देते हैं. दैट इज नॉट द रियली सिक्योर्ड मेथड. आई विल जस्ट टेक यू थ्रू अ केस स्टडी. अगेन केस स्टडी जब भी मैं बताता हूँ तभी मैं नाम और जगह और इंसिडेंट मतलब बेसिकली अलग तरीके से बताता हूँ एज हमारा एनडीए साइंड हुआ था. सो आई वाज वर्किंग ऑन अ लॉटरी स्कैम केस स्टडी. तभी हुआ ऐसा कि एक बंदे को फोन आता है एंड ये आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में मैं केस स्टडी बता रहा हूँ. सो एक आदमी को फोन आ जाता है कि आपको लॉटरी लग गई है. आई होप आप सबको SMS आके हो चुके होंगे, कॉल्स आके हो चुके होंगे एंड यू आर aware, you are we can say teachers, so you are aware about this type of thing and you are not falling prey, but there are people who fall prey for this type of things and they become victim of this type of attacks. So there was a teacher basically there was a person who basically was a victim of this and he got call from a person saying ki aapko lottery lag gayi. कितने की? सो द अमाउंट वाज सम 25 लाख. ओह यू आर सरप्राइज्ड.
और लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फी है, दैट इज वर्थ 50,500, वो भरना पड़ेगा। ओके, 25 लाख की लॉटरी है तो 50,000 भरना कौन सी पड़ेगा। सो ठीक है, वो 50,000 भर दिया। उसके बाद अगेन ही गॉट अ कॉल, ओके देयर इज सम अनदर प्रोसेसिंग फी व्हिच इज कॉस्टिंग 15,015। ऐसा कर करके उससे 3.5 लाख रुपए उसने ले लिया। एंड द विक्टिम वॉज ऑल्सो लाइक, अच्छा मुझे किसी को बताना ही नहीं है, क्योंकि अगर जिसको भी बताऊंगा उसको पता चलेगा कि मुझे 25 लाख मिलने वाला है। एंड वन सडन डे ही रियलाइज दैट इज अ स्कैम, इज नॉट वर्किंग। तो ही रिपोर्ट्स टू पुलिस, देन यू विल बी सरप्राइज, ये इनको जो नंबर से कॉल आता था एंड जो मैसेज आता था, नंबर वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम +92। +92 इज द कंट्री कोड ऑफ पाकिस्तान। एंड इसको एक्चुअली फिर वहां से कॉल जाते थे, इफ इट वुड बी इंडियन नंबर पुलिस वुड हैव द सिस्टम टू ट्रेस इट। देन बेसिकली वहां पे उन्होंने क्या किया, आई मीन पुलिस ने, कि ये जो भी पैसे डालता था वो कहीं पे तो लेट्स से मैं नाम और जगह चेंज कर रहा हूँ, कहीं पे मुंबई में विड्रॉ होते, तो जैसे पैसे वहां पे क्रेडिट हो जाते थे वो अकाउंट में, मुंबई में विड्रॉ होते। एंड देर वर पीपल हु आर अपॉइंटेड टू विड्रॉ दिस मनी। तो ये जैसे इसने बोला प्रोसेसिंग फी और 5,000 डाल दो, ये 5,000 डाल दो, तो पुलिस ने ट्रैक किया कि वो डाल दो पैसा एंड देन विल सी। और वो जो +92 से जो मैसेज आते थे, तो उसको एक आईपी ट्रैकिंग का टेक्निक होता है, उससे ट्रैक करने की कोशिश की। बट पुलिस ट्रैप्ड दोस पीपल, और पुलिस ने जो लोगों को अरेस्ट किया जो पैसे विड्रॉ कर रहे थे, उनके फोन को रिवर्स करने के बाद समझा ये इन्हीं लोगों को एसएमएस या कॉल्स नहीं भेज रहे हैं, बल्कि ऑल इंडिया में भेज रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो फोन को रिवर्स इंजीनियर, मतलब उसको फोन को रिकवर करने के बाद, रिकवरी इज अ प्रोसेस कि हमको सब लगता है हमने डिलीट किया, डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो हमने वो फोन को रिकवर करने के बाद We got to know the surprising facts that वो एक दो आदमी को नहीं, ऐसे 500,000 लोगों के साथ कर रहे हैं, and they are earning in crores. Now the question is basically where is this money going? So the one more surprise was this money was going to +92, and the photos and videos which we got into that criminal's phone was of hand grenades, was of guns, pistols, drug deals, hawala trading and what not. So lottery scam to ek front hai, uske piche kya tha, fund which is being raised for terror activities. So I was also surprised, the whole team was surprised, Nigeria hai ye sab lottery scam mein, aur isme Pakistan kab se aa gaya. And the again relating to the identity fraud case, ये सब जिसके account में पैसे आ रहे थे, वो account के जो KYC documents थे, जिसके थे उसको ही मालूम नहीं था, तो ऐसे easily available हो जाते अपने जो भी identity proof है या identity documents है. So make sure your identity documents are not stored in a insecure manner. That is what you have to make sure. Nikhil, can I ask question now, or you'll take all the questions at the end? However, it will work. That's not. So, मुझे ये पूछता था जो आप ये जो identity theft. तो identity theft का मतलब क्या वो क्या होता है identity theft? कि आपका आइडेंटिटी, लेट्स से आई प्रिटेंड टू बी मिस्टर बेडा एंड आई यूज योर आइडेंटिटी एंड आई जस्ट टेक अ न्यू सिम कार्ड एंड आई यूज दैट फॉर क्रिमिनल पर्पस, आई ओपन अ बैंक अकाउंट एंड आई टेक टेररिस्ट फंड्स इनटू दैट अकाउंट एंड आई मिसयूज योर आइडेंटिटी, दैट्स व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट फॉर। सो मेरे नाम का पैन कार्ड या मेरे नाम का आधार कार्ड या मेरे नाम का सिम कार्ड कोई अगर लेता है तो दैट इज और उसको मिसयूज करता है। Exactly, exactly. So, समझ गया। Okay. Yeah, so I am using your identity for, yeah. for we can say criminal purposes or for yeah. for doing crime itself. Okay. Thank you. Yeah.
सेम तरीके से पैन कार्ड का भी होता है. तो ये आसानी जो सो देखो इस बात का ताजुब हो रहा है कि मेरे नाम का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट या सिम कार्ड आसानी से कोई भी लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या लोग? आपके नाम का क्रिएट करना इज वन पार्ट और आपका डॉक्यूमेंट यूज करना इज अनदर पार्ट. सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इसमें हम लोग उसको इनसिक्योर स्टोर करते हैं, मतलब फोटो दिया या फिर कहीं पे भी अपलोड कर दिया या किसी को भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया आपने. अच्छा ओके. हाँ हाँ लेट्स से आप कोई भी लोन प्रोसेस में यू डू इट कि किसी को कुछ चाहिए तो वो फॉरवर्ड कर दो या फिर आपके ऑफिस में आपके अकाउंटेंट के फोन पे होता है वो आप किसी को भी फॉरवर्ड कर देते हो कहीं पे भी स्टोर हो जाता है वो. एंड द क्वेश्चन इज ऑफ डेटा स्टोरेज एंड इट्स ट्रांसमिशन एंड इट्स सिक्योरिटी. ओके ओके गॉट इट अब समझ गया थैंक यू. So before moving ahead, there are two people also who have raised the hand. I think if they want to ask any question, Rahul ji is raised. Yes, sir. Hello. Yes, yes. Sir, मुझे ये पूछना था कि इस केस में eKYC कितना secured है? See, when you call, go about eKYC, they have their own encryption methodologies. Uploading methodologies and whenever we come to eKYC, that is all we can say approved by RBI and similar bodies. So, jo compliance bodies ke under jitne bhi audit sectors hai, uske under wo aa jata hai. So, you don't have to worry about it. Basically, RBI has to worry about it. Matlab, obviously, that is your question. But when it comes to eKYC like things, so we don't have to worry as much as that, unless there is a vulnerability. So eKYC system में ही कुछ vulnerability आ गया, मतलब कोई loophole आ गया, vulnerability का मतलब ये हो गया, कोई loophole आ गया, और फिर RBI उसके ऊपर भी basically एक notification जारी करती है कि इसको इस तरीके से fix करना है, या इसको इस तरीके से update करना है. Then CERTIN picture में आती है, CERTIN is Computer Emergency Response Team India. So these are all the teams and people who can come into picture. So for thank now, you, sir. The answer is clear. Yes. Yeah. Thank you, sir. Yes. Where is that? Yes. Do you want to sir? Ask? Sir? जैसे कि अभी ये lockdown चल रहा है ना, तो इतना सारा transactions तो अभी mobile पर ही हो रहा है. तो अगर आपने जैसे कहा कि हम अपना व्हाट्सएप पे अगर किसी को आधार कार्ड या फिर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दिया तो फिर वो उनकी तरफ उनके पास तो रहेगा, तो हम उस वो सिक्योरिटी कैसे रखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जिसको दिया है वो हमें पता है वो इंसान कौन है बट सेफ हो है, ये कैसे पता चलेगा सर? So, अगर आपको किसी को आधार कार्ड एंड ऑल देना है सो देयर आर अगेन वेज टू स्टोर इट एंड ट्रांसमिट द डेटा एज वेल. तो स्टोर आप डिजी लॉकर से उसमें स्टोर कीजिए, प्राइवेट वॉल्ट से उसमें स्टोर कीजिए. एंड आई विल कम टू द वी कैन से सॉल्यूशन पार्ट एट द एंड ऑफ द सेशन. एंड आल्सो टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन की आधार कार्ड तो जो आप फोटो भेजने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं उनके यहाँ पे, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही डाउनलोड होता है जो कि कुछ दिनों में एक्सपायर भी हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम तक वो यूज नहीं कर सकते. नंबर वन. नंबर टू, आप जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं उसके अलावा एक गूगल ड्राइव के लिंक पे भेज दीजिए जिसको एक्सेस सिर्फ लिमिटेड लोगों को हो, या गूगल में जीमेल में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल मोड इन जीमेल. तो आई जस्ट निखिल आप बाद में लास्ट में सब दिखाओगे बाद में के, तो अगर आप दिखाने लगे बाद में तो फिर ये आप पूरा कर लो प्रेजेंटेशन. कॉन्फिडेंशियल मोड ओके सो बिकॉज इस बात की ना नॉलेज हम बहुत ज्यादातर लोगों को नहीं है. No problem. You are expert into your field, so don't worry about it. So, yeah, and there are small field things which basically you can use. Sir, can I ask one question? Yeah, I'll just complete this screen share and then we'll move to your next question. Okay. Hello, can you hear me, sir?
Yes, yes, I can hear you. Just let me complete this one more thing, and okay. Yeah, we can then move to your question. Okay. Can I start now? So, is my screen visible? Yes. Yes. So, आप ये जो एक mode है ना, this is Gmail and everybody here uses Gmail. Yes. So, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कोई भी एक attachment मुझे करना है, मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे click करता हूँ, turn on confidential mode. और मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि मुझे वो एक दिन में एक्सपायर होना चाहिए, एक वीक में होना चाहिए, तीन महीने में होना चाहिए, पांच साल में होना चाहिए, एंड ऑल्सो पासकोड इज सेंट रिक्वायर पासकोड, मतलब वो ईमेल खोलने के लिए भी उसको एसएमएस पे एक ओटीपी टाइप ऑफ आता है और वो डालने के बाद ही वो ईमेल खुलता है. सो मे इट बी योर आइडेंटिटी थिंग्स और योर ट्रांजेक्शनल थिंग्स और एनीथिंग, आप ये तरीके से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. And this is what I had to show. I know this is what I mean by confidential mode. मतलब एकदम easy है, जैसे आप email करते हो वैसे email करना है. नीचे यहाँ पे एक icon है, turn on confidential mode. Even इसमें इतना restriction है कि सामने वाला आदमी उसका screenshot भी नहीं ले सकता और print out भी नहीं निकाल सकता. Sorry. Yes, yes, I saw this all thing in that when we are opening some data and miss YouTube पे हम लोग जब कुछ कुछ चीजें pins वगैरह open करते हैं तो वहाँ पे क्या security available होती है, always होती है. But sir इसमें भी security नहीं है. Why? क्योंकि हम लोग दूसरे mobile से then वे screenshot लेते हैं. So if you look at security from that perspective, I was not speaking about the data. No, I was not saying any means किसी का data वगैरह नहीं, जैसा आप बोल रहे passport and mobile के numbers and वो सब और क्या था passbook and all और credit card number just पन, फिर भी कुछ कुछ इतने simple function होते कि मेहंदी के design तक हम लोग screenshot नहीं ले पाते या design dresses नहीं ले पाते या कोई jewelries के है, ऐसी बहुत सारी चीजें है sir. Yes. So, और उसके बाद सर, लेकिन सर मुझे एक बात जाननी है कि ये जो हम गूगल पे वगैरह अकाउंट से पे करते हैं तो वो लोग तो हमें अकाउंट स्टार्ट करने से पहले अकाउंट ही मांगते कि हमारा ईमेल एड्रेस हमको रजिस्टर करना है. जैसे आपका भी वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हमको हमारा अकाउंट स्टोर करना ही पड़ा एंड इस अकाउंट से हम बहुत सारी चीजें करते हैं. हेलो I think hello with due respect all teachers, please let sir complete his PowerPoint presentation then we will go to question answers. Your question has been heard. Aapka question pehle hi, first question will be taken. Ma'am, thank you ma'am. Thank you. Okay, so basically let's move to the ransom type of attack and what is a ransomware? I'll just tell you कि क्या होता है कि कभी कभी अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो लॉक हो जाती है और वहां पे आता है कि आपको इतना बिटकॉइन में पे करना है तो ये आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा, या फिर आप कोई भी गलत साइट पे अगर विजिट कर लेते हो गलती से तो भी ये हो सकता है. सो आई जस्ट शेयर यू वन मोर केस स्टडीज. आई रियली वर्क विथ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड बहुत सारी स्टोरीज इन केस स्टडीज है शेयर करने के लिए. तो ये जो भी गिवन टाइम है उसमें जितना हो सकता है उतना मैं शेयर करूंगा आपसे, बिकॉज़ वी हैव टू कवर द सॉल्यूशंस पार्ट एज वेल. सो रैंसमवेयर में बेसिकली एक टॉप मैनेजमेंट गाय वाज वर्किंग इन अ कंपनी, तो उन्होंने एक गलती से एक पॉन साइट देखी लैपटॉप पे. अभी वो पॉन साइट में बेसिकली एक मालवेयर डाउनलोड हो गया, मतलब एक वायरस डाउनलोड हो गया कंप्यूटर, और उसने उसके पूरे कंप्यूटर में जितने भी पासवर्ड सेव्ड है, कोई कुछ कुछ क्रिटिकल डेटा सेव्ड है, वो सारा कलेक्ट करना चालू कर लिया. एंड देन एक दिन उनको ईमेल कर दिया कि मेरे पास दिस 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 टाइप ऑफ डेटा, और उन्होंने सैंपल डेटा भी भेज दिया और उन्होंने बोला कि लेट्स से यहाँ पे एक $300 $500 वर्थ के बिटकॉइंस भेज दो and then only we will be able to basically release the data या erase the data, नहीं तो ये data आपके पूरे company में चला जाएगा कि आपका personal data था and you were watching porn on your computer. So जब भी ऐसे कोई गलत links आ जाती है हमको लगता है कि yes it is like it is very attractive and it is we can say very lucrative, और हम लोग जाके it may be a lottery offer, it may be a pawn link, or it may be anything which you think that
that is the link, but उसके अलावा उसमें क्लिक करने के बाद उससे जो डाउनलोड होता है उसको अफेक्ट बेसिकली उसे आपके आपका कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन आपका लैपटॉप हैक तो दिस वाज अबाउट रैंसमवेयर आल्सो एक रैंसम था जो मोबाइल में अफेक्ट हुआ था लीकर लॉकर नाम का रैंसम था सो देयर वर टू वी कैन से एप्स इन ऑन प्ले स्टोर वन वाज बैटरी बूस्टर मास्टर एंड अनदर वॉज वी कैन सी वॉलपेपर एच डी प्लस तो वो दोनों में हुआ ऐसा था बेसिकली कि जितना भी लोगों ने वो डाउनलोड किया था लाइक 10,000 पीपल हैव डाउनलोडेड दैट एप्लीकेशन एंड आफ्टर 10,000 डाउनलोड दैट एप्लीकेशन टर्न देमसेल्फ इनटू अ वी कैन से रैंसमवेयर दे लॉक देयर यूजर्स मोबाइल स्क्रीन एंड आस्क फॉर $50 पर यूजर और अगर वो 72 आवर्स में नहीं भरे आपने तो आपकी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वीडियोज है फोटोज है वो सब आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स को ईमेल थ्रू चले जाएंगे आफ्टर दैट प्ले स्टोर ने वो ऐप सस्पेंड कर दिए थे और व्हाट अबाउट 10,000 यूजर्स व्हिच दे हैव डाउनलोडेड दिस ऐप्स एंड मैकेफे के रिसर्चर ने बेसिकली उसको अपलोड किया ये पब्लिश किया था एंड उसके बाद प्ले स्टोर ने उसको निकाल दिया So similarly, ransom के बहुत सारे cases हैं, PTR करके ransomware है. Now there is something called as darknet or dark web. So why I'm just sharing you about dark web or darknet, and you should be aware about because lots of youngsters basically are getting involved into it. And this is a एक जैसे हम लोग जो use करते हैं Google Chrome पे या Internet Explorer पे या Mozilla Firefox पे या Safari पे, that is अलग-अलग websites .com और इस पे जाते हैं. So that is the internet. But what is the dark net? जहाँ पे illegal चीजों की जैसे हम बोलते हैं deals होती है, guns हो गया, drugs हो गया, या फिर अलग-अलग तरीके के illegal passports. See, there's a type of drugs and everything which are sold over the dark net. Then citizenships. Then replica notes. जो notes होते हैं, जो currencies होती है, उसकी replica हो गई. So these are the frauds which are done on darknet. And darknet basically when it comes to darknet dealing, nowadays every data which is like Paytm का data hack हो गया तो उसने darknet पे sell कर दिया. या फिर let's say और भी data जैसे आधार कार्ड किसी ने mention किया था अभी. तो आधार कार्ड का data leak होने के बाद वो darknet पे available था. And in $5 worth of is जहाँ cryptocurrencies के जैसे bitcoins में ये सब डील्स होते हैं एंड एज बिटकॉइंस में डील होते हैं दिस आर नॉन ट्रेसेबल डील्स सो लिटरली देयर आर डार्क वेब पे देयर आर पीपल हु हायर फॉर वी कैन सी मर्डर हु कैन बी हायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हु कैन बी हायर्ड फॉर हैकिंग एंड ऑल टाइप ऑफ ये जो इलीगल चीजें करने वाले लोग थे ऑफलाइन उनको एक ऑनलाइन मार्केट मिल गया है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स बेसिकली जो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका टॉर करके एक ब्राउजर आता है उसमें सब ऑपरेशन चलता है सो अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर अवेयरनेस अबाउट यू शुड चेक मैं जैसे बोलता हूँ कि हम बोलते हैं कि हम हमारे से ज्यादा हमारे बच्चों को कंप्यूटर्स में या इंटरनेट में या मोबाइल में ज्यादा समझता है बट एक्चुअली वॉट दे आर डूइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई जस्ट टेल यू केस स्टडी ऑफ द डार्क वेब देयर वर 4 गाइज मिसिंग फ्रॉम अ लोकेशन In let's say मैं वही बोल रहा हूँ location में हमेशा change करके रहता था वो from a location of Pune and so उनके you will see शायद वो news में आया हुआ भी है article and कुछ दिनों बाद और कुछ महीनों बाद their dead bodies were found in Syria. So the investigation. Sir, question is sorry to disturb you. Let me complete this case study and then I'll take your question. So, okay. Yeah. So, wo dead bodies jo Syria mein mili basically, wo kaise mili after the investigation come to know, somebody was chatting with them on social media and they were again in the addiction and attraction of dark web. Dark web mein ye cheeze milti hai, nahi hoti hai. The, unka brainwash karke, wo missing ho gaye ghar se, matlab unhone khud ne hi exit liya ghar se, ghar walon ko na batate hue. Via crossing some borders via illegal sources, their training was done in
some regions of Pakistan, and then they were sent there to Syria for the war. Aur unke bodies mile. So you should always know what your children are doing, what the students are doing into computer, and you should always have the control over it. Yes. So you were saying something, you can say, and then I'll share my another presentation specifically about the mobile threats. Yes. Go ahead. Can I ask you now, sir? Mm-hmm. Go ahead. Okay. Mobile hacking and the solutions. Yes. Yes, ma'am. Actually, what happened, sir? देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन सिंपल सी बात है लेकिन बात तो बड़ी है अभी आपका मैंने सुनकर ही बता रही हूँ मेरे आधार कार्ड से किसी और ने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लिया एंड देन आई गॉट द मैसेज व्हाट हाउ इट्स हैपेंड बिकॉज मेरा आधार कार्ड तो मेरे पास है आई वाज नॉट शेयर एनीवन सो हाउ इट वाज हैपेंड और मैसेज तो मुझे ही आया कि सो एंड सो पर्सन इज टेकन अ वैक्सीनेशन तो कैसे सर मतलब और मैं इसकी कंप्लेन कहाँ करूँ ये मुझे ही समझ में नहीं आया ये कुछ 10 दिन पहले ही हुआ है और उसका मैसेज मेरे इनबॉक्स में अभी भी है मैंने डिलीट नहीं किया है तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कहाँ करना तो है क्योंकि किसी ने मेरा आधार कार्ड यूज किया है सो नंबर वन थिंग इज यू नीड टू वेरीफाई फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस हैपेंड ऑर नॉट तो आपके वो आपके आरोग्य सेतु में दिख जाएगा कि वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ सर वो महाराष्ट्र से नहीं है आई मीन महाराष्ट्र इन मुंबई पालघर एरिया सो ही वाज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र आई थिंक कुछ और ही एरिया बता रही यूपी आई थिंक आई अंडरस्टैंड इज इट रिफ्लेक्टिंग इन योर कोविन ऐप और नॉट दैट इज द क्वेश्चन वो रिफ्लेक्ट वो आप एसएमएस के depending on that SMS you cannot I got SMS जब हम लोग see sir जब हम लोग उसको verify करते हैं हमारा डिटेल डाल के तब हमको एक मैसेज आता है कि now you are going to take a vaccination मतलब एक नंबर आता है और वो OTP I understand that OTP I can also send you but I am not sharing OTP I was not sharing OTP मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा OTP क्यों कोई मांग रहा है So see, there are two aspects to it. So if I look this from a digital forensic investigator perspective, so number one, ये सही में हुआ है क्या? या fake SMS आने जैसे मैंने बोला जैसे आपको एक मिनट में नहीं सर ये देखो सर जब हम लॉगिन करते हैं कोशिल वैक्सीनेशन के लिए तो एक OTP मांगता है देन ही वेरीफाई होता है तो वो वही OTP मुझे आया था मेरे आधार कार्ड मेरे मैसेज में मतलब इस नंबर पे आधार कार्ड नंबर मेरा था मतलब यही कैसे हुआ मैंने तो एक के लिए और नंबर नेम भी पर्सन का शो कर रहा था हाउ इट इज पॉसिबल सो इट इज पॉसिबल बिकॉज़ योर आधार नंबर इज फर्स्ट ऑफ ऑल लीक्ड समवेयर यू हैव शेयर्ड समवेयर और इट इज लीक्ड समवेयर दिस कैन बी द नंबर वन सिनेरियो नंबर टू सिनेरियो दिस कैन बी जस्ट एन SMS एंड अगर किसी ने वैक्सीन लिया भी है आपके आधार के बेसिस पे तो वो आपको आपके ऐप में रिफ्लेक्ट होगा आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन का ऐप है तो रिफ्लेक्ट तो होगा सो वो हो रहा है कि नहीं वो दैट यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई एंड कैसे हुआ सो बेसिकली मे बी योर फोन इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज सो OTP इज नॉट द अल्टीमेट सिक्योरिटी फॉर इट ओके सो नाउ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज मोबाइल हैकिंग थ्रेट एंड सॉल्यूशन सर मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग डार्कनेट Okay, so as actually some of the team member from the organization suggested, let us complete through all these things and then I'm open all for questions, okay? Thank you, sir. You can just note down your questions and then we can go ahead. So now I'll tell you about something about mobile threats. Because mobile hum bahut zyada use karte hai. Mobile ya tabs ho, iPads ho, ye sab cheeze. So first of all, mobile hacking hoti kaise hai? Or what are the ways of hacking a mobile phone and how you can prevent yourself from it. So the solution part mainly. So basically there is something called as rooting. Agar aapka phone rooted hai, toh basically aapka phone... Agar aapka phone rooted hai, toh rooting karke ek concept hai. उससे आपका फोन बेसिकली सुपर एडमिन एक्सेस मिलता है हैकर को और आपका फोन हैक हो सकता है या रूट हैकिंग करके एक कंसेप्ट एंड रूट हैकिंग कंसेप्ट में आई थिंक किसी का माइंड अनम्यूट है सो
There is some disturbance. किसी का शायद माइक अनम्यूटेड है. So just a request to unmute. So the host can mute for mute everybody for a few minutes. Okay, I don't know. Juice jacking is a technique and where आप लोग फ्री चार्जिंग जो होता है ना मोबाइल चार्जिंग केबल जो होता है तो आप क्या करते हो कि मोबाइल चार्ज करने के लिए वो केबल जो है वो आप यूज कर लेते हो एंड आफ्टर जस्ट चार्जिंग द फोन आपको मालूम नहीं कि अदर साइड ऑफ द वॉल क्या है. सो जैसे ये मैंने पिक्चर यहाँ पे दिया है कि ये चार्ज होता है फोन तो उसके अदर साइड ऑफ द वॉल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है. सो वहां पे क्या क्या हो सकता है व्हेन यू जस्ट चार्ज अ फोन तो अटैकर आपका डेटा जो है वो क्रॉल कर सकता है और वो डेटा जो है वो क्रॉल सब कुछ स्टोर कर सकता है. उसके अलावा आपके फोन में एक बग इंस्टॉल कर सकता है और वो बग इंस्टॉल करके आपका फोन जहां जहां पे भी आप जा रहे हो वहां पे आपका फोन में जितना भी डेटा है वो स्पाई कर सकता है. सो दिस इज अटैक कॉल्ड एज जूस जैकिंग. सो ये बहुत सारे फ्री चार्जिंग स्टेशन पे होता है एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट. इसको अगर अवॉइड करना है तो आपको चार्ज ओनली केबल आता है तो वो चार्ज ओनली केबल यूज करना है जिसमें कि डेटा ट्रांसफर नहीं होता है. ओके सो दैट इज व्हाट अबाउट जूस जैकिंग टेक्निक जो मुझे पता था. अननोन सोर्सेस बहुत सारे टाइम क्या करते हैं हम लोग ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं एप्लीकेशन को. हम लोग क्या करते हैं कि वो जो एप्लीकेशन जो लेते हैं वो किसी दोस्त के फोन से ब्लूटूथ से लेते हैं या तो हम लोग कोई गूगल क्रोम ब्राउजर में से डाउनलोड करके ले लेते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर से कोई डाउनलोड करके ले लेते हैं या कोई किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मुझे लिंक कोई शेयर किया वहां से लेते हैं. उसको बाइंड किया हुआ एक एप्लीकेशन आ सकता है एंड एप्लीकेशन आने के बाद वो फोन में इंस्टॉल होने के बाद उसके साथ जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो स्पाई एप्लीकेशन के जैसे काम करता है. हाउ डज द स्पाई ऐप वर्क्स एंड दिस इज रियली द आंसर टू समबडी हु आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट मेरा ओटीपी कैसे गया एंड देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस व्हिच आर रियली कमिंग इन डे इन डे आउट अबाउट माय ओटीपी. आई हैव नेवर गिवन द ओटीपी फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देन ऑल्सो द ट्रांजेक्शन गॉट सक्सेसफुली सक्सीडेड एंड नाउ द बैंक इज ऑल्सो सेइंग दैट दे विल नॉट पे because it is a secure transaction. So जब भी spy application अंदर आता है आपके call logs, SMS, phone सभी completely उसको attacker को access आ जाता है उसका. क्योंकि मैंने जैसे एक पहले slide में दिखाया था contacts, call logs, SMS, microphone ये सभी permission जो है वो हम लोग दे देते हैं उनको. And this is how the hacking thing or technique works. So जब भी कोई एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी से आपके फोन में आ रहा है वो उसको पहले तो इंस्टॉल नहीं करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही जेन्युइनली करना है. और अगर आप करते भी है तो उसके साथ कोई बाइंडिंग में एप्लीकेशन आ सकता है वो आपके कॉल लॉग्स एसएमएस माइक्रोफोन है लाइव कैमरा है वो सब कुछ ले सकता है. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट्सएप सो व्हाट्सएप हैक होता है क्या एंड एवरीबॉडी लाइक हैज देयर ओन व्हाट्सएप ग्रुप. एक ऑफ आपके टीचर्स का भी ग्रुप होगा एंड हर एक ऑफिस में ग्रुप होता है एंड लेट्स से एक ऑफिस में अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं एंड व्हेनेवर वी डू दिस एक्टिविटी विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सो वी आल्सो आस्क देम. अच्छा हर एक पुलिस स्टेशन का भी ग्रुप है एंड दे डू शेयर. हर एक बैंक का भी ट्रेनिंग करते समय उससे आपका ग्रुप है क्या व्हाट्सएप यस ग्रुप है. बट वॉट इफ अ सिंगल पर्सन फोन इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज एंड द व्हाट्सएप कन्वर्जेशन इज कॉम्प्रोमाइज होल ग्रुप्स कन्वर्सेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो व्हाट इज दैट फैक्टर जो व्हाट्सएप क्लेम करता है दैट इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सो माय कमेंट ओवर इट इज यस इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बट जो नोटिफिकेशन आता है ना आपको ऊपर से स्पाई एप्लीकेशन का काम है वो नोटिफिकेशन को कैप्चर करता है और नोटिफिकेशन कैप्चर करके वो बेसिकली नोटिफिकेशन कैप्चर करने के बाद जो है वो स्पाई एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में जाता है और व्हाट्सएप का सब कन्वर्जेशन दिख जाता है.
तो उसके लिए सोल्यूशन ऐसा है कि बैज जो होता है ना, जो हमें सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जो आता है, लेट से वन व्हाट्सएप मैसेज रिसीव, टू व्हाट्सएप मैसेज रिसीव, उस तरीके से करना है, ना कि ऊपर से जो नाम दिखे और मैसेज दिखे और फोटो दिखे आपको. सो इवन इफ अगर वो नोटिफिकेशन कैच कर रहा है स्पाई एप्लीकेशन, तो वो कैच नहीं कर पाएगा. और बहुत सारे ऐप परमिशंस जो है, जो हम ऐप्स को परमिशंस देते हैं, वो भी हमें नहीं देनी चाहिए. एंड अल्टीमेटली माइक्रोफोन हैकिंग. सो व्हेन वी गो गिव परमिशंस, सो लिटरली समबडी कैन हैक योर माइक, वी कैन से फोन एंड यूज योर माइक्रोफोन एंड एज वेल कैमरा. सो जस्ट इमेजिन आप फोन कहाँ कहाँ पे लेके जाते हो, एंड जस्ट लाइक योर फोन इज लाइंग ऑन द टेबल एंड समबडी इज लिसनिंग कि आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली. तो ये जो है, ये लिटरली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न प्राइवेसी. एंड सो लेट्स से आपका फोन आपके बेडरूम में पड़ा है और आपका कन्वर्सेशन कोई तो सुन रहा है, यू आर डिस्कसिंग समथिंग इनटू योर बोर्डरूम एंड कोई तो सुन रहा है, एंड एंड वेर एवर यू टेक योर फोन, बिकॉज आपने आपके स्पाई एप्लीकेशन जो आपके फोन में इंस्टॉल्ड है उसको परमिशन देखे हो चुकी है, माइक्रोफोन की परमिशन. Then let's talk about social media hacking or online. जैसे मैंने अभी नयन सर का क्वेश्चन था identity theft. So identity theft is not only using Aadhaar card and PAN card and misusing it. Identity is your social media identity as well. So let's say there are lots of we can say third party apps. Let's say Facebook पे बहुत टाइम आता है ना, इस पे क्लिक करो और 5 साल के बाद आप कैसे दिखोगे, ये पोर्ट्रे हो जाते. Yeah, let's say, इस पे क्लिक करो एंड हाउ यू विल लुक आफ्टर वी कैन से और विच इंडियन सेलिब्रिटी यू विल लुक लाइक, वो पोर्ट रे हो जाता है. लेकिन उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ता है, तो या फिर उस पर क्लिक करना पड़ता है. सो आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल. एक 110,000 फेसबुक यूजर्स वर अफेक्टेड बाई दिस इंसिडेंट, एंड वॉट हैपेंड, अ पर्सन क्लिक्ड ऑन अ पॉर्न लिंक which came into their Facebook news feed, and that person clicked on the porn link, and in the eagerness of watching that video, so when the person clicked on the porn link in the eagerness of watching that video clip, it popped up and told, okay, download a flash player. So again, in the eagerness of watching that video clip, that person clicked on that download flash player. Something got downloaded into the phone or the system, and then everything was compromised. So the malware got injected, and everything was compromised. So this happened with more than 110,000 users of Facebook. So this is how basically it works when it comes to we can say social media security or social media identity theft type of things. So whatever identities or whatever social media accounts you are using, make sure कि आपने वो accounts को जैसे हम बोलते हैं कि एक तरीके से password protected तो होना ही चाहिए, उसके अलावा 2-step verification जो है वो होना चाहिए, और कोई भी third party जो apps है वो नहीं होने चाहिए वहाँ पे. तो third party apps में जैसे भी मैंने आपको बोला कि आप उस पर क्लिक करते हो, बोलते हो किसके जैसे आपको दिखना है, या किस इंडियन सेलिब्रिटी के जैसे आप दिख रहे हो, या 5 साल के बाद आपका फोटो कैसे दिखेगा, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्टेस्ट व्हिच आर रनिंग ऑनलाइन. एंड ऑल्सो इस चक्कर में हम क्या करते हैं ना, लॉकडाउन में बहुत सारे कॉन्टेस्ट रन हो रहे थे. सो हस्बैंड वाइफ कॉन्टेस्ट, ब्रदर सिस्टर कॉन्टेस्ट, एंड वॉट नॉट. सो ये चक्कर में वॉट यू आर डूइंग इज यू आर डिस्क्लोजिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अ लॉट, एंड दैट इज वॉट इज द सब्जेक्ट, वॉट यू शुड थिंक ऑफ कि हाउ मच टू डिस्क्लोज is the question when it comes to the identity theft of social accounts. Then there are phishing attacks ki jahan pe bahut sara link jo hai jo aapko aata hai. Let's say WhatsApp pe aapko bahut sare links aa jate hain. Just guys give me a minute, sorry. So there are lots of links which basically comes over WhatsApp, and
लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि नेटफ्लिक्स 50% ऑफ, Amazon Prime at 10 rupees, and there were lots of things which were coming in. And government ने वो RBI ने mandate किया था कि अगर EMIs है वो 3 महीने आके कर सकते हैं, अब वो provision किया था, so उसका भी एक notification था. तो जिस जिसको करना है उसके fake links आते थे, और ये सब fake links में आपको क्या भरना पड़ता था, आपकी details. जैसे Netflix आपको 50% free चाहिए तो they were saying कि आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स भर एंड देन इट विल बी डन. सो बट एक्चुअली ऐसे होता था क्या, तो नहीं, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स आपके ले लेते थे एंड उसके बाद जो है वो दे यूज टू गो अहेड एंड टेक द डिटेल्स एंड सेल इट ओवर द डार्क वेब. अगेन टॉकिंग अबाउट बैंकिंग थिंग, सो वो आपके आईडी और पासवर्ड ले लेते एंड दे यूज टू परफॉर्म अ ट्रांजेक्शन ओवर इट. सो अगेन देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे ओटीपी नहीं लगता है वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन होते हैं. So be aware about it. So when it comes to iPhone hacking type of thing, so jailbreaking is a technique जहाँ पे iPhone अगर hack करना है तो jailbreak करना पड़ता है. So let me tell you, there is a myth कि iPhone hack नहीं होता. Let's say recent जो attack हुआ था Pegasus का, उसमें iPhone ही hack हुआ था पहले, and which was a zero click hack or a zero click attack. And basically, वहाँ पे Pegasus के इसमें there are lots of articles. If you follow me on LinkedIn, you will get to know lots of articles are available, which I have written in various newspaper and various comments. And the iPhone was one of the target of it. Then free VPN, free. Free VPN, we always do and go ahead and connect to free VPN. So airports ho gaya, hotels ho gaya, ya alag alag we can say railway stations ho gaya, ya kisi ke ghar mein jaake Wi-Fi hai kya. So aajkal hum pehle poochte ki Wi-Fi hai kya and charging point hai kya. So that is what is our new oxygen nowadays. But your phone can be hacked through Wi-Fi, your phone can be compromised through Wi-Fi. एंड अगर वो वाई फाई अनसिक्योर्ड वाई फाई है, वाई फाई में भी सिक्योर वाई फाई होता है अनसिक्योर वाई फाई. लेट मी टेल यू अ केस स्टडी कि जिसमें वाशी में एक NRI रहते थे एंड ये पब्लिश्ड केस स्टडी है इसके लिए मैं बता रहा हूँ. एंड वो NRI ने जब भी हमें क्या हो गया था, ही वॉज जस्ट यूजिंग इंटरनेट एंड देर वॉज अ ईमेल जो उनका इंटरनेट यूज करके, उनका वाई फाई राउटर हैक करके, उनका इंटरनेट यूज करके मीडिया चैनल्स को गया था. And there were Hyderabad bomb blasts at that time. And uski information media channels ko gayi. Just because unka IP aaya tha, he was arrested by police, he was interrogated by the police. And after analyzing the logs of the Wi-Fi router, they came to know that ye time pe, ye jo email jo time pe shoot hua tha, unka Wi-Fi router was compromised. Whether Wi-Fi was compromised. So this is how it happens. So if you are using a vulnerable Wi-Fi, आपका device भी hack हो सकता है, या maybe laptop, it may be desktop, it may be anything. And अगर आपका iCloud में 2-step authentication नहीं है, तभी भी आपके iCloud के credentials use करके without even touching your iPhone, this can be compromised and this can be hacked. So this was all about mobile hacking. And coming to the solutions part, so I'll just share my contact number and email ID. So agar aapko kuch iske session ke baad bhi kuch queries aur hai, to aap is pe email bhi kar sakte hain, WhatsApp bhi kar sakte hain. And so now coming to the solution part, you should always use VPN type of solution. Jo aap phone mein VPN apps install kar sakte hain. Agar Wi-Fi ko agar aap connect bhi kar rahe ho, तो वो आप क्लिक करके मतलब VPN यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो इन टू एवरी इमरजेंसी. देन हाउ टू सिक्योर योर होम वाईफाई, तो द आंसर इज एक मैक फिल्टरिंग करके आता है कि आपके घर में जितने डिवाइसेज है उसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए. इवन अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल गया तो आप वाईफाई का जो नाम होता है वो खुद ब खुद वो हाइड कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन योर वाईफाई राउटर. तीसरा, आपके फोन में एंटी हैकिंग, एंटी स्पाइंग, एंटी फिशिंग टाइप ऑफ एप्स चाहिए. जैसे हम लोग लाख रुपए का 50,000 का तो फोन ले लेते हैं, उसके ऊपर 2,000-3,000 के गार्ड डाल देते हैं, कवर डाल देते हैं, बट व्हाट अबाउट द डेटा सिक्योरिटी ऑफ द फोन, व्हाट अबाउट द डेटा सिक्योरिटी ऑफ योर लैपटॉप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
So this type of anti-hacking, antivirus, anti-spying, anti-phishing type of tools should be there available into your phones. So then to avoid the juice jacking type of attacks, basically you should always use charge only cable, not data transmission jo cable hoti hai, wo. So as I rightly suggested about the emailing thing, you should always use confidential mode while emailing. And आप गूगल अगर किसी को एक लिमिटेड टाइम तक एक्सेस देना है तो आपको एक गूगल ड्राइव में आप लिंक शेयर कर सकते हैं और उसमें वो डॉक्यूमेंट का यूज होने के बाद वो लिंक आप डिसेबल कर सकते हैं, लाइक यू कैन जस्ट डिलीट दैट फोल्डर सो दैट वो लिंक एक्सेसिबल नहीं होगी. सो कोई भी सिक्योरिटी मैट्रिक्स जो तीन चीजों में डिवाइड होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. वो कॉन्फिडेंशियल चीज है, इसके लिए उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए. इंटीग्रिटी मतलब उसमें कुछ टेम्परिंग नहीं होना चाहिए और जब भी चाहिए वो अवेलेबल भी होना चाहिए और जिसको चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए. लेकिन आपके सीए को ही आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, पूरी दुनिया को नहीं दिखाना है, तो पूरी दुनिया को नहीं अवेलेबल होना चाहिए, तो सीए को ही अवेलेबल होना चाहिए. तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंशियल मोड में उसको, और उसको भी अगर प्रिंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए क्या, तो नहीं, एक हफ्ते के लिए चाहिए तो एक हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंशियल मोड आपने सेट कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक इट. देन आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, अगर आप लॉग इन करने के बाद भी आपको SMS आएगा, OTP आएगा और उसके बाद अंदर जा सकते हो. इसके अलावा आपकी गूगल अकाउंट जो है उसको भी टू स्टेप ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो. एंड नाउडेज देयर इज अ टेक्निक ऑफ व्हाट्सएप हाईजैकिंग एज वेल. तो व्हाट्सएप में भी अंदर आप सेटिंग में अगर जाओगे तो प्राइवेसी में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है एंड यू कैन यूज दैट टू स्टेप ऑथेंटिकेशन सो दैट बेसिकली अगर आपका सिम OTP भी किसके पास जाता है तो इट कैन नॉट बी वी कैन से मिसयूज्ड अनलेस दे नो द पिन. तो एक पिन टाइप आता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, आप आपके व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हो. ऑल्सो देर इज अ सोल्यूशन, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड आई शो यू बियॉन्ड द OTP और बियॉन्ड टू स्टेप ऑथेंटिकेशन. एंड इट इज अ सिंपल सोल्यूशन जो आप Amazon से भी ले सकते हो. सो दैट इज फिडो U2F की. मैं जस्ट एक ही मिनट में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. So this solution is something which is beyond your OTP. Okay, I found it. Okay, I hope you are able to see the screen. And this is a security key. ये जो है ना अभी कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो आपको Google account, Facebook account login करने जाओगे तो इसको लगाने के बाद ये key के ऊपर आपको tap करना है आपके finger से और तभी login होगा. अगर ये आपके पास नहीं है फॉर एनी रीजन तो आप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो. यू कैन बाय फ्रॉम Amazon और अगेन एनी लोकल शॉप एज़ वेल. इट्स अ US बेस्ड टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन बाय. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू. नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आई कैन टेक ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच सर. मे आई आस्क यू सर क्वेश्चन? यस यस. ऑन माय लैपटॉप वंस आई गॉट अ पॉप अप दैट यू आर ऑन डार्क नेट, सो व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? What type of pop-up it is, it depends on that. If you can send me the screenshot, it may be again a... So, and you are on dark web, so have you downloaded anything like a Tor browser or any unknown link? That also matters. So, agar aapke laptop pe pop-up aa raha hai, aap bol rahe ho, koi specific browser pe aa raha hai, मतलब कोई विंडोज पे आ रहा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू स्पेसिफाई. एंड अगर उसका कुछ POC मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर को, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर. आई क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पेमेंट विद फोटो ऑफ कार्ड मींस कार्ड नंबर एंड एबल टू हियर यू क्लियरली. हेलो हेलो. यस हेलो सर. Yeah, now you're on board. For online payment, we share card details. And if that order is not successful, then let them misconnect. I mean,
I am not able to hear your question clearly. Hello, sir. Is it audible? Sir, can I ask you a question? Yes, you are audible, but your voice is cracking. Sir, may I ask you now? For online payment, we share card details. And then if that order is delivery is not possible. Ma'am, you can type your question in the chat because I'm really not able to hear you clearly. सर मैं बताती हूँ, वो पूछ रहे हैं कि जब हम गूगल पे कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हमारा पासवर्ड जब हम पेमेंट के टाइम पे यूज करते हैं तो वो सिक्योर है या नहीं, मतलब हम डिटेल उस पे डालते हैं ना, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो शी वाज आस्किंग कि ये सिक्योरिटी है या नहीं. Yes, basically see, on Google Pay मतलब किस पे, so like you need to specify आप Amazon पे पेमेंट कर रहे हो, आप Flipkart पे पेमेंट कर रहे हो या Lenskart पे. Asking about Amazon. Okay. So obviously, if you are transacting on the genuine website of Amazon.in or .com or .uk, yes, it is safe. Sir, my question now. Sir, आपने एक चीज बताई कि हमारा जो फोन सबसे हार्मफुल, तो मुझे अभी फोन ही लगता है, लैपटॉप तो हम पढ़ाई रहता है बंद हो जाता है जो भी, लेकिन ये फोन जो है हमारे साथ 24 hours रहता है, कहीं पर भी जाओ, कभी कभी तो लोग बाथरूम में भी लेके जाते, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है यहाँ वहाँ, वाईफाई से कनेक्ट भी मेरा क्वेश्चन. लेकिन एक क्वेश्चन है सर, आपने कहा कि हमारा जब मोबाइल कहीं पर भी लाइट डाउन है ना, यानी कॉन्वर्सेशन हमारा सुना जाता है, ये आपने कहा था कि हमारा मोबाइल जैसा बाजू में है और हम कुछ मत बात करें, कुछ पर्सनली या किसी के बारे में हो या कुछ भी व्हाटएवर, तो सर इस वक्त आपने कहा कि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, ये हमें पता है, ये तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि एरोप्लेन मोड पे डालने से कि वो सिक्योर होता है क्या नहीं. ओके सो सर, एक्सक्यूज मी सर, दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई वांट टू से. मेनी टाइम वी आर टॉकिंग एट होम समथिंग रिगार्डिंग सम object and all, for example some kitchen thing and all, and immediately after some time we can see the advertisements coming on our phone regarding the same topic. How to stop that? No, this is a experience which we have been. I agree with you, Manjit ji. Why I'm laughing is because we all are same thing. सर तो मैंने क्या कहा, एरोप्लेन जैसे रात का वक्त है, हमने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया समझो फोन, तो सब नेट वगैरह बंद हो गया क्या, क्या वो देखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया. ओके, आई विल आंसर, देयर आर टू क्वेश्चंस, आई विल आंसर वन बाय वन. एक जो क्वेश्चन था कि हम लोग अपना फोन कहीं पे भी लेके जाते हैं, इवन बाथरूम में भी लेके जाते हैं, यू आर सेइंग फॉर सम अर्जेंट थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड टेकिंग दिस टाइप ऑफ फोन्स इनटू बाथरूम्स एंड कैरिंग इट टू द प्राइवेट एरियाज, नंबर वन. नंबर टू, यूज इट. सी, टेक्नोलॉजी है, तो आपने जो बोला कि यू आर वरिंग अबाउट अ फोन यूजेज, सो डोंट बी वरीड, यूज इट. बट जैसे कोविड है तो हम लोग बाहर नहीं घूमते क्या, मास्क लगा के घूमते है ना. यस, सो बेसिकली अगर हम लोग मास्क लगा के बाहर घूमते हैं, सो दैट इज ऑल्सो, अगर आप कोई एंटी स्पाइंग, एंटी हैकिंग, एंटी फिशिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डाल के फोन में रहेंगे, सो आपका फोन अगर वो हैक होने वाला भी है तो आपको नोटिफाई हो जाएगा. नंबर वन, कोई अननोन लिंक्स पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो बेसिकली आपके फोन में कोई इंट्रूडर आने का चांस नहीं है वहां पे. नंबर टू, एंड कोई लिंक, अननोन लिंक्स पे आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप फिशिंग लिंक्स के अटैक्स के बेसिकली विक्टिम नहीं होगे. द अदर थिंग इज, क्वेश्चन वाज अबाउट, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, उसी तरीके से एड्स दिखते हैं. दैट इज व्हाट अ गूगल रेवेन्यू मॉडल इज. बेसिकली आपको जो चाहिए वो आपको एड के मीडियम से दिखाएगा. दैट इज व्हाट द गूगल, हमारा यूट्यूब पे जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट सामने से गूगल को शो होता है कि चीज में इंटरेस्ट है, तो वो वही रेसिपी हो या ड्रेसेस हो या व्हाटएवर, वही आता है सर. एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड. तो दैट इज व्हाट द एल्गोरिथम इज, तो वही आएगा. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको मतलब बेसिकली टर्न ऑफ एड ट्रैकर करना पड़ेगा, या तो उसकी प्रीमियम सर्विसेज लेनी पड़ेगी. लेट्स से जैसे यूट्यूब पे एड्स नहीं आए करके, यू हैव टू पे गो फॉर YouTube प्रीमियम, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन कॉल्ड एज YouTube प्रीमियम. और टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजर्स, दैट विल कम, दैट विल, दे आर स्टडिंग योर बिहेवियर.
आपने आज कौन से कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनी या ड्रेस पहना है, तो आपसे पहले ज्यादा उनको मालूम है, योर वेबकैम एंड एवरीथिंग इज ट्रैकिंग इट, सो इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट इट यू कैन वॉच अ मूवी कॉल्ड एज कैम्ब्रिज एनालिटिका, यू कैन वॉच द सोशल डायलेमा है, या फिर एडवर्ड स्नोडन का मूवी है स्नोडन करके, so that is also you can watch, and this is how the whole trillion dollar industry works. So you can एक तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आप ये trillion dollar की technology free में use कर रहे हो. उसके अलावा आपको आहा वो आपको कुछ interest वाले ads दिखा है जो आप ही के interest की है, और जिससे उसका वो जो भी जिसको भी बेचना है उनका product, let's say you are searching about for a iPhone and if somebody you get an ad of a iPhone after some time, so it is of your interest only, और उसका मतलब जो भी vendor है जैसे like Apple as a vendor basically उसका phone sell हो रहा है, so that is what your common interest Google is identifying. Now you will get face recognition based ads also. If you are happy you will get that type of ads, you are sad that you will get that type of ads, so nowadays these things will also happen. तो ऐसा नहीं है कि अभी सर्च बेस्ड चैट जी आएंगे, ये सब भी आ सकता है. निखिल विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. या श्योर. सो फ्रेंड्स मैं पेमेंट इंडस्ट्री में कई साल तक काम कर चुका हूँ पहले, सिटी बैंक और कई पेमेंट गेटवे के साथ मैं कंसल्टेंट रहा हूँ. तो एक मैं लेट मी जस्ट शेयर और आपको, क्योंकि आपका एक सवाल जुड़ा हुआ था इसके रिलेटेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट शेयर विद यू. तो जब आप पेमेंट करते हो ना, तो ये जो आपका ऊपर जो URL होता है, इसको URL बोलते हैं, इसको आपको देखना है कि एक तो S है कि नहीं यहाँ पे HTTPS. ओके, ये S होना जरूरी है. S का मतलब है सिक्योर्ड या ओके इट इज सिक्योर साइट. सेकेंडली ये जो है लिंक जो है ये amazon.in या flipkart.in या जो भी flipkart.com, ये जेन्यून है. जो फेक साइट होंगे वो कुछ अमेजोन में स्पेलिंग जैसे AMOZAN होगा और पढ़ने में एकदम सही लगता है. अगर आप बारीकी से देखते हो फोन नंबर, वो ये अमेजोन नहीं है, ये अम्मा जान है या अमोजन है ऐसा कुछ, तो ये फेक साइट होती है. और जहाँ पे अगर आपको पेमेंट करना बिल्कुल करना नहीं चाहिए, एक ये ध्यान रखिए आप. और .in और .com इसके अलावा और कुछ अगर और कोई दिखता है तो उधर भी आप पेमेंट मत करिए. .in होगा या .com होगा, जनरली .in ही होता है लेकिन यहाँ .com इसमें ही आपको पेमेंट करना है. और ये जो है या कई बार आपको ऐसे आते हैं आपको मैसेज आते हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं ये दे रहे हैं, तो उसमें कैसा होता है amazon.discount या amazon anniversary, कई बार ऐसे मैसेज आ रहा है कि इसकी 10वीं एनिवर्सरी है तो इसके लिए amazon 50% डिस्काउंट दे रहा है. अभी ये जो है .com के पहले वाला जो वर्ड है ना, डेट इज इम्पोर्टेंट. Amazon यहाँ पे है लेकिन .com के पहले जो वर्ड है वो एनिवर्सरी है, तो ये .com के पहले या .in के पहले का जो वर्ड है वो Amazon होना चाहिए, ना कि ये. ओके, आपको ये ध्यान रखना है, ये Amazon के साइट नहीं है, ये एनिवर्सरी करके किसी ने साइट बना के रखी है, उसके अंदर इसने Amazon क्रिएट किया हुआ है. तो आपको ये ऐसे कोई साइट होगी इसमें दिखता है Amazon आपको, लेकिन ये फेक साइट है. क्यों फेक है? क्योंकि .com या .in, मान लो ये .in है और उसके तुरंत पहले का जो वर्ड है उसके पहले अलावा वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या गूगल या जो भी है वो होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो यकीन मानिए वो फेक साइट है. एक ये बात. सेकेंडली, जब भी आप पेमेंट करते हो आपका अकाउंट नंबर या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या जो भी है वो मास्क होना चाहिए ना, XXXXX कितना, किसी को लास्ट चार डिजिट के अलावा किसी को आपका नंबर दिखाना नहीं चाहिए. ये रूल है, RBI का रूल है इंडिया में कि आपका नंबर कोई स्टोर नहीं कर सकता आपके परमिशन के सिवा, और जब स्टोर भी होता है तो बैंक के एम्प्लॉयज को भी वो नंबर दिखाना चाहिए, उसको एनक्रिप्ट करते हैं, मास्क हो जाता है वो. तो कहने का मतलब है सिर्फ आपको वो नंबर दिखना चाहिए, ना कि वो डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे. थर्ड पार्ट OTP. This is, आप लोग कभी टीवी पे रोज ऐड देखते होंगे. OTP किसी को भी, सगा भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, चाचा हो, चाची हो, OTP किसी के साथ भी शेयर मत करो.
unless you trust that person fully. अगर आपको पूरा ट्रस्ट है तो ओटीपी शेयर करो, ठीक है. लेकिन अगर कोई आपको फोन करके आपका सीए बोलता है, आपका लॉयर बोलता है, आपका कोई अकाउंटेंट बोलता है कि ये ओटीपी हम मुझे पास करो, कभी पास मत करना ओटीपी. अगर अनलेस यू ट्रस्ट दैट पर्सन 100% पूरा ट्रस्ट है तो ही ओटीपी दे, तो किसी भी चीज पे ओटीपी पास मत करो आप. ओके, ये अगर इतना ध्यान ओटीपी का अगर आप ध्यान रखते हो तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग विक्टिम, आप किसी फ्रॉड के अगर शिकार बनने से आप बच जाओगे. ओटीपी का ध्यान रखो. और ये जो वेबसाइट का भी मैंने बताया, वो वेबसाइट फेक वेबसाइट कैसे ढूंढना, एक तो HTTPS होना चाहिए और .com या .in के पहले वाला जो वर्ड है वो एक्चुअली साइट होनी चाहिए. Amazon या Flipkart या Myntra या बिग बाजार या बिग बास्केट या जो भी है .com के आगे वाला, और उसका स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए. स्पेलिंग में थोड़ी भी गलती हुई आप वहां से हट जाइए, तुरंत ही निकल जाइए वहां से, उसको बंद कर दीजिए. जैसे बिग बास्केट BASKET, अगर उसका थोड़ा चेंज करता हूं मैं BAS कर दे BOS कर दूंगा, आपको ध्यान में नहीं जाएगा. आपको बिग बास्केट ये दिखता है, ये देखो अभी मैं डाला है मेरे, दिखता है बास्केट जैसा ही, एक्चुअली ओ है ए नहीं है उधर. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है बस. ओके, ओवर टू यू निखिल. जेन्युइन वेबसाइट और नॉट, दिस वाज रियली वेरी गुड टिप्स. एंड नाउअडेज नयन सर, आई जस्ट ऐड टू व्हाट एवर यू शोड. नाउअडेज द फिशिंग अटैक्स आर सो सोफिस्टिकेटेड. जैसे आपने सिटी बैंक का एग्जाम्पल दिया, जस्ट टेल यू सिटी बैंक का भी फिशिंग पेज हमने इन्वेस्टिगेट किया था, तो जो ए है ना, तो वो बैंक का, तो ए को जैसे एक जैसे कैरेक्टर में थोड़ा सा हल्का सा वो चेंज कर लेते हैं. एंड इट इज रियली, मतलब स्पेलिंग भी सेम है वहां पे. एंड दिस आर द थिंग्स हाउ इट हैपेंस. एंड इवन इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक, सो उसी के तेरा पेज दिखता है. और जैसे आपने बोला हुआ Amazon का एनिवर्सरी है एंड एवरीथिंग इज देयर, इस तरीके से आता है. एंड दिस हाउ इन द लॉकडाउन आल्सो द क्राइम गॉट इंक्रीज्ड. एंड अपना जो पीएम केयर फंड है उसका भी बहुत सारे लोगों ने फिशिंग पेजेस बनाया था. एंड दे हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ वी कैन से बिलियन डॉलर फंड्स एंड दे वर अरेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और मेरे साथ ही हुआ अभी. जस्ट मेरे को मेरा मेडिकल इंश्योरेंस लेना था और एक दिन मुझे फोन आया कि HDFC बैंक से बात कर रही हो लड़की, बड़ी प्यारी इंग्लिश बात कर रही थी कि आपका इंश्योरेंस ये हो गया, लैप हो गया पॉलिसी, आपने अभी निकाला था, पैसे भरे नहीं आपने, एक काम करो आपका पॉलिसी वापस हम रिएक्टिव कराते हैं, आपको पैसे भरने पड़ेंगे. तो मैं बोला अच्छा, तो मेरे को लगा होगा शायद, क्योंकि मैं जो HDFC इंश्योरेंस खरीदा था और मेरा होगा, मतलब ऐसी एक मिनट मैं सबको म्यूट ऑन कर रहा हूँ. हाँ, तो और मैं फिर इवॉल्व हूँ, फिर भी मैं भी फंस गया. मेरे को लगा अच्छा शायद जेनली, तो मैं उसके साथ ज्यादा इंक्वायरी करने लगा. मैं अच्छा मेरा मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, तो फिर तो बोलते आप एक काम करो, 50,000 आपका साल भर का इंश्योरेंस था, 1,00,000 का आपका 2 साल का ऊपर ओवरड्यू हो गया, आप 1,00,000 भर दो. मतलब ठीक है. फिर मैं पूछा उसके बाद क्या होगा, मेरे को क्या पॉलिसी मिलेगी, बोले नहीं आपको फिर 15 दिन के आपको 2,00,000 मिलेंगे. जैसे उसने बोला आपको 2,00,000 मिलेंगे, मैं समझ गया ये चोरी है, क्योंकि मेरे को लालच दे दी. तो इंग्लिश में ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको मित्रों मेरा कहना है, इंग्लिश में कहावत है यू कैनॉट चीट एन ऑनेस्ट पर्सन. ओके, अगर कोई आपको लालच दे रहा है तो आप अपनी ऑनेस्टी रखिए, लालच में मत फंसिए, तो आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा. I'll just add something. Recently, I have commented in the recent case. So, ye insurance fraud, it has reached more than 50 crores now. Wow. And recent Times of India mein iska article aaya jispe maine comment diya hua hai. Times of India mein. Right. So that comment I'll just add here. So they are nowadays using SEO techniques, search engine optimization techniques. Okay. So let's say you search, you want to renew your insurance of ICICI Prudential or insurance of Bajaj Alliance. And jo number one site aati hai wo fraudster ki aati hai.
ओके सो दे आर यूजिंग एसईओ टेक्निक. सो जैसे आपने प्रीवियसली बोला था कि वो यूआरएल बराबर देखी, हाँ, कि वो वही जेन्युइन यूआरएल है क्या, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव विजिटेड देयर ऑफिशियल वेबसाइट, यू हैव कॉल्ड देम ऑन देयर ऑफिशियल नंबर एंड देन यू हैव बेसिकली लैंडेड अप गिवन ओटीपी टू द ऑफिशियल वेबसाइट होल्डर और द ऑफिशियल पर्सन, नंबर वन. नंबर टू, एज यू सेड देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन. सो वन इज ग्रीड, साइबर क्राइम का रीजन है लॉटरी लग रही है मुझे 50 लाख की लॉटरी, ग्रीड. सेकेंड इज नीड, मुझे लोन चाहिए, मुझे इंश्योरेंस रिन्यू करना है, मुझे जॉब चाहिए, देयर आर जॉब फ्रॉड्स, देयर आर लोन फ्रॉड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ अगेन फ्रॉड्स वेयर यू गेट लाइक यू आर इनटू नीड. एंड थर्ड वन वी कैन से इज लस्ट, वेयर पीपल गो एंड क्लिक ऑन पॉर्न, क्लिक ऑन सम डेटिंग एप्स. And they end up downloading nude pictures and then there is a term called as sextortion. So they show you something nude photos and videos and then they take your screenshots. फिर आपको ही ब्लैकमेल करने लग जाता है. मेजर रीजंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ क्राइम व्हिच इज कमिटेड. आपने, मैं जब विक्टिम को पूछता हूँ बोलते सर मैं जरूरत में था, मुझे जॉब चाहिए था इसके लिए मैंने उस पर क्लिक किया. आपने मुझे लॉटरी लग रही है ऐसा लगा इसके लिए मैंने क्लिक किया. एंड ये क्योंकि आपने, आई वॉज अलोन एंड आई वॉज सिटिंग इन अ क्लोज रूम एंड आई जस्ट हेलो. तो एक मिनट आरती जी, एक मिनट. अली हमजा शेख कब से उनका वो इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, मैं इंतजार कर रही हूँ. क्या अली हमजा जी, बोलिए जी, बोलिए. एक्चुअली सर, आप एक सर ने बताया कि व्हाट्सएप में सिक्योरिटी के लिए, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं जैसे आधार कार्ड का, कभी कभी मांगते हैं, हस्बैंड भी मांगते हैं, फ्रेंड्स मांगते हैं, क्या कुछ लिंक है, कुछ पासपोर्ट से डिटेल करनी, तो हम लोग लिंक देते हैं आधार कार्ड पे. तो सर ने बताया कि व्हाट्सएप के सेटिंग में सिक्योरिटी है, कुछ वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने वो कर देखा, मुझे आ नहीं रहा, तो आप एक डेमो दिखा दीजिए कि सेटिंग कहाँ है. Nikhil, can you just log in from your phone and okay so I will just tell you WhatsApp ke agar aap settings mein jayenge phone ke settings mein, let me log in from my mobile agar and hum log share karte sir aadhar card account mein jayenge, I'll just share you with the screenshot what I am talking about. Yes, I will just, no problem. Okay, na har ek phone mein thoda tweak alag hota hai, but jo bhi main aapko yahi pe share karke bata sakta, that's not an issue. Wo zyada best rahega kyunki WhatsApp pe hum log bahut kuch cheeze bhejte, photos hai, photos to nahi mostly aadhar card ka bhi number mang liya, chalo tumhara main yahan pe kar deta, tum late aana bank mein, to ho jata hai sir. Aur jab tum Nikhil share kar rahe, main aapko meri kahani batata hu. Main khud, main jabki main to bahut matured user hu, कितने सालों से डिजिटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ. कुछ टाइम पहले मैं एक ऐसे ही जूम मीटिंग में था और अचानक से मेरे फ्रेंड का, एक मेरी फ्रेंड है, मेरे स्कूल फ्रेंड है, उसका नाम है नयना, मेरा नाम है नयन, उसका नाम है नयना, उसका मैसेज आया मेरे को कि मेरे गलती से आपका नंबर डाल दिया है, आपको एक OTP आएगा, उससे शेयर करो. तो मैं मीटिंग में था और उसका, क्योंकि उसका नाम नयना था और मेरा नाम नयन है, तो मेरे को लगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो हो सकता है गलती हो सकती है, उसने गलती से मेरे नाम पर भेज दिया, तो मैंने वो कॉपी पेस्ट करके उसको दे दिया, यानी उसके, उसको मैंने ओटीपी दे दिया. जैसे मैंने ओटीपी दे दिया, मेरा व्हाट्सएप पर, मेरे को कुछ तो, मेरे को लगा कि व्हाट्सएप पे कुछ गड़बड़ होने शुरू हो गई है, अनप शनप बिहेवियर व्हाट्सएप पर चालू हो गया, लॉगिन खुद भी खुद लॉगिन करना शुरू कर दिया. ओके, तो मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़, तो मैंने कभी तो थोड़ी देर के लिए मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया, फिर शाम को वापस चालू किया तो व्हाट्सएप मेरा वापस री लॉगिन कर रहा था. तो तब मेरा ध्यान आया कि ये मेरे से कुछ गलती हुई है, मैंने उस नैना को फोन किया, तो नैना ने बोला अरे यार देखो आ गया, मेरा भी व्हाट्सएप हो चुका है और मेरे व्हाट्सएप के फोन बुक में जितने लोग थे सबको ये मैसेज आया. तब मैं समझा कि मैं खुद विक्टिम बन गया हूँ, खाली केवल एक चीज से मैं बच गया, व्हाट्सएप में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है. ये अभी जो निखिल प्लीज शो टू देम इफ यू आर लॉगिंग इन, इफ यू शेयरिंग द स्क्रीन, तो उसकी वजह से मेरा डेटा बच गया किसी को जाकर. तो अगली बार अगर कोई आपको ओटीपी मांगते, इसके लिए भी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे यूजर भी कई बार फंस जाते हैं, और क्योंकि हम उतावल में या कहीं जल्दबाजी में हम कुछ एक्शन ले लेते हैं. अभी एक बात मैंने बहुत क्लियर कर दी है मेरे और मेरे फैमिली को, ओटीपी किसी को भी देना नहीं,
अभी मेरी वाइफ बहुत से फ्रेंड होते हैं कहते हैं हमारे बहुत सारे अकाउंट है, मुझे ये वाला गेम डाउनलोड करना है, वो वाला प्लीज मैं तुम्हारा अकाउंट लेती हूँ, और ये सर होता है और फ्रेंडशिप में देते भी है। मत करिए अभी ऐसा, अब और ओटीपी बहुत इट इज नॉट सिक्योर। निखिल आर यू शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, yes. No, no. I'm just sharing that screen from my laptop only. Hey, hold on. Yeah, yeah. So Abhishek can share from here. You can just guide him. Can you just see the screen? हाँ, okay. So WhatsApp के अगर setting में जाते हो ना, so there is an option called as account, and into the account you can see there is an option called as two-step verification. ये third option दिख रहा है आपको? Two-step verification. हाँ, तो इसको आप एनेबल कर दीजिए, बस दैट्स इट। एनेबल करना, ओके। हाँ हाँ, वेरी इजी। उसको आपको पिन सेट करना पड़ेगा जो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप भूल भी जाते हो तो भी आपके ईमेल आईडी पे वो ये जो है। सो सर ये सिक्योर हो जाए कि हमारा डेटा व्हाट्सएप का स्पेशली ना जाए। हाँ, व्हाट्सएप खुद तो सिक्योर ही है आपके, लेकिन जो निखिल ने भी बताया ये कोई और कोई व्हाट्सएप आपका हैक ना करे। अकाउंट हाईजैकिंग के लिए है। या एग्जैक्टली, यस सर। कैन यू सजेस्ट सम गुड एंटीवायरस फॉर स्मार्टफोन, बिकॉज़ वी आर ऑन स्मार्टफोन नाउडेज। तो हैकर बहुत स्मार्ट होते हैं सर। नो, व्हाटएवर सर इज सेलिंग, ये फ्रॉड हो चुका है सर। बट इफ वी फॉलो व्हाट स्टेप्स ही इज सेलिंग, रियली इट इज इन वर्किंग कंडीशन। यस, दे वर्क एंड वी हैव टू बी स्मार्टर देन हैकर्स। तो मेरा मानना है कि एंटीवायरस यूज मत करो। मैं ना मेरा लैपटॉप एंटीवायरस यूज करता हूँ, ना मेरी कोई टीम एंटीवायरस यूज करती है, ना हम लोग मोबाइल पे किसी के एंटीवायरस। एंटीवायरस ज्यादा डेंजरस है, मत यूज करो। वो एंटीवायरस के थ्रू हमें हैक करते, उन्हें पता है इनके ऊपर क्या क्या चल रहा है, इनका अकाउंट कहाँ जा रहा है, इनका क्या है, सब कुछ पता उसी पे चल जाता है, अकाउंट से ही चलता है। मुझे तो बोला गया था कि बायजूस में हम आपको अपॉइंट कर देंगे अगर आप हमको 10,000 रुपया भेज देंगे तो। वो फेक है या राइट है, दैट यू हैव टू वेरीफाई। एंड हां यस सर, वो फेक था। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप डेमो लेसन हम आपका बाद में ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, और बैजू से हम 100% आपको जॉब दिलाई देंगे, आपको 10,000 से भरना है अभी के आप भरिए। और इतने फोन पे फोन किए उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली। दे आर कॉलिंग यू इन वन सिंगल लाइन, एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड बी रिस्पांसिबल नेटिजन टू। यू शुड यूज इंटरनेट रिस्पांसिबली, यू शुड यूज टेक्नोलॉजी रिस्पांसिबली, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव 1 GB data and 3 GB data per day, you should not visit any site, any link and everything. Yes. Whatever you are clicking on, just verify. So, जैसे एक example दे देता हूँ, कोई भी अगर link आती है, तो उसको copy करके आपको virustotal.com पे जा सकते हो, वहाँ पे आपका URL है। So, just मैं एक screen share करके आपको example देता हूँ, कहाँ पे आप actually click कर सकते हो। वो link fake link है या genuine link है? So I'll just share my screen and I'll just show you. This is the website. Okay. Just you have to tell me, is my screen visible? Yes. Yeah. So this is the website. वहाँ पे आप जाके जस्ट कोई भी अगर आपने फाइल भी अपलोड करके चेक कर ली तो आप वो चेक कर सकते हो, वो मलिशियस है या URL है, मतलब कोई भी आपको फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो यहाँ पे उसका URL जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और वो आपको रिजल्ट दिखा देगा कि वो सेफ है या अनसेफ है। यहाँ पे let's say I'll just choose any other file and I'll just scan over it. फाइल के बदले यूआरएल लिखा था उसको कोई भी कॉपी करके। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सो लेट्स से आई कॉपी दिस टाइप ऑफ यूआरएल। सो जैसे अभी रायन सर ने एग्जांपल दिया था कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है, तो आप सी ये एनालाइज करेगा और आपको डिटेक्ट करके बता देगा whether it is safe or see no security vendor flag this as malicious।
सो वायरस टोटल पे देख सकते हैं. दूसरा एक वेबसाइट है जो मैं सजेस्ट करूंगा विच इज स्कैम एडवाइजर. यहाँ पे भी आप कोई भी वेबसाइट है वो डाल के उसका जो रेटिंग है वो आप चेक कर सकते हो. एंड वो इफ इट इज लुक सेफ टू यू और नॉट वो आपको बता सकते. Amazon.in मैंने डाला तो 100 of 100 ट्रस्ट कर बता रहा है. लेकिन यही पे अगर मैंने कुछ अलग डोमेन डाला उसका या फिर एग्जैक्टली वो डोमेन है नहीं और वो डाला हुआ है तो फिर वो उसका रिव्यू there may be a domain which is available here. They put AMOZAN, Amazon. But it needs to be a URL which is actually a malicious URL. Yeah, actually, yeah. कई बार it could be genuine also. हाँ, ये genuine लग रहा है. हाँ, genuine. Now I'll also give you a website where you can check. haveibeenporn.com यहाँ पे जस्ट आपको आपका ईमेल आईडी डालना है और वो आपको बताएगा कि आपका ईमेल आईडी कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ था. सो सी आर यू एबल टू सी ओके दिस इज माय ओल्ड ईमेल आईडी दिस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन कैनवा. सो कैनवा वाज हैक्ड इन 2019 आई वाज अ मेंबर ऑफ कैनवा एंड आई वाज यूजिंग कैनवा देन आई वाज अ मेंबर ऑफ unexploit.in आई वाज अ मेंबर ऑफ फोर्ब्स एंड इंडियामार्ट. So IndiaMart recently got hacked in 2021 and 38 million records from Indian e-commerce company were hacked. Let's say very similar goes to Zomato and everything. Then you can actually go for a password type of search. कि मुझे एक password रखना है, ये vulnerable है या नहीं है. तो मैंने जस्ट सर्च किया और ये बताएगा ओ दिस पासवर्ड हैज बीन यूज 14,133 टाइम्स. तो मैंने नॉर्मल पासवर्ड रखा था निखिल. तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ तो बोलेगा यस इट इज सेफ. सो कोई भी आप पासवर्ड रखने से पहले भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो. द वेबसाइट नेम इज haveibeenporn.com. दे आर ऑल फ्री सर्विसेज व्हिच यू कैन यूज फॉर द वेब. सो ये इसका मैं चैट में चाहिए तो लिंक भी डाल देता हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन टेक अ नोट ऑफ इट. Sir, can I ask you one thing? That's the last question. Yes, always. I want one more detail about net. आप cyber से related हो और कल ही मुझे कुछ information मिली है मैंने देखा है तो what is Andes? उसका work क्या है sir? ANNDESK Andes क्या work करता है laptop पे? Do you mean AnyDesk? So yes. So AnyDesk is a remote के लिए use करते हैं basically कि आपके laptop का या mobile का किसी को अगर access आपको देना तो उसके लिए use करते हैं. तो sir वो मतलब laptop पे बहुत से information है क्योंकि कल मेरे laptop को problem हुए थे देवर नहीं handle किया वो तो कहीं और बैठा था लेकिन उसने वो काफी दूर से मेरा laptop खुद ही handle किया. उसने दिखाया मुझे AnyDesk कहा यहाँ यहाँ क्लिक करो और उसने वो हैंडल किया. वो वायरस आया था इट्स ओके बट ये अभी तो रिस्की है ना सर कि हमारा लैपटॉप तो पूरा सामने वाला ले रहा है. यू अंडरस्टैंड आप साइबर वाले हो आई अंडरस्टैंड एंड वहां पे कंट्रोल्स भी है मैम उसको तो कंट्रोल्स में आप AnyDesk भी दे रहे हो तो आपके स्क्रीन पे वो फाइल ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कॉपी पेस्ट कर सकता है कि नहीं वो AnyDesk के ऊपर कंट्रोल जाते हैं. वो आपको अगर टिक मार्क और अनटिक मार्क करने होते लेट्स से गिव द कंट्रोल बट यू कैन कंट्रोल व्हाट यू हैव गिवन. ये तो घर की बात है सर लेकिन कोई भी और भी तो लैपटॉप हमारा जैसे बोले 5 मिनट के लिए भाई लैपटॉप दे या कंट्रोल करो ना मतलब आप घर पे दो या कोई इंजीनियर को बाहर दे दो वहां पे ऑप्शंस होते हैं जहां पे यू कैन टिक मार्क दैट पर्सन कैन कंट्रोल योर कीबोर्ड माउस और नॉट दैट पर्सन कैन डू अ फाइल ट्रांसफर और नॉट. सर हमको ये कैसे पता चले अभी जैसे मेरी फ्रेंड आई हुई मेरा लैपटॉप मांग लिया
और वो लेकर चले गए, उसने जो भी किया उसको कुछ भी मांगता होगा, मैंने तो सब पे पासवर्ड रखे। नेवर गिव योर फिजिकल डिवाइस टू एनीबॉडी, डिवाइस फिजिकली टू एनीबॉडी, वो तो मतलब गिव मी, वो तो आप खुद के हाथ से दे रहे हो, एंड देन देयर इज सो ह्यूमन एरर इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सिक्योरिटी। आपने सब टेक्नोलॉजी डाल दी है, 5 लाख 10 लाख के सर्वर्स डाल दिए एंड फायरवॉल्स डाल दिए, बट अगर आपने किसी को हाथ से उठा के फोन दे दिया, इट्स लाइक चाबी खोल के हाथ में दे देना। तो सर जैसे लैपटॉप, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं, जैसे लैपटॉप कंट्रोल रिमोट से होता है तो क्या मोबाइल भी होता है? यस होता है, मोबाइल सबसे ज्यादा होता है। और 15 सेकंड, निखिल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि 15 सेकंड लगते हैं एक सॉफ्टवेयर डालने में, और उसके बाद आपकी पूरी मोबाइल जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो दूसरे मोबाइल में भी दिखते रहते हैं, आपका मोबाइल और उसका मोबाइल कॉपी हो जाता है पूरा। आपका मोबाइल हैक कैसे हो सकता है? साइबर क्राइम में अगर किसी को जॉब चाहिए, अगर हमको पता है कि हमारा बच्चा बहुत एक्सेलेंट है कंप्यूटर्स में, और साइबर क्राइम में अगर कोई जॉब्स अवेलेबल है तो वो उसके लिए कौन से कोर्सेस करना पड़ता है? सो फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट, आई विल टेल यू थिंग कॉल्ड एज, मेरा एक सेशन है करियर इन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन साइबर सिक्योरिटी, हाँ वो मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टिफाइड एथिकल हैकर टू कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक। आई माय सन वांट्स टू टेक एडमिशन सर अभी के। Yeah. And also I do conduct some internship programs. Fantastic, sir. Yeah. So you can actually आप मुझे अब एक ईमेल ड्रॉप कर दो और मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ। I'll search if it is available with me now and I can put it over the chat. Sir, your email ID? निखिल एक काम करो, आपके जो ब्रोशर वगैरह ना मुझे दे दो। अच्छा हाँ, आपने दिया सर। टीचर्स के ग्रुप है ना, उसमें मैं डाल दूंगा। Yeah, मैं जस्ट मेरा ये शेयर कर देता हूँ। उन्होंने स्क्रीन भी शेयर की थी सर ईमेल। सर अभी मेरे बच्चा घर पर ही है तो वो जरूर ये कर सकता है कोर्स, तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई विल गेट दिस। Yeah, it is like do start with free, do not go for paid courses as of now, and then see, these are all my details basically. Okay, I'm taking screenshot. Aarti ji, ji, आपका बेटा जब हो जाए ना एक्सपर्ट तो उसके बाद हमको कुछ जरूर पड़े तो बोलना, कोई याद रखे। सीरियसली वो इतना स्मार्ट है ना, अगर मैंने लॉकडाउन में जो भी कुछ सीखा है सर, सिर्फ उसी की वजह से सीखा है, और स्कूल में उसी की वजह से टिकी हुई हूँ मैं सर, क्योंकि उसने ए टू जेड चीज मुझे मोबाइल का सिखाया, जूम मीटिंग कैसे लेना है, एंड क्या बताऊँ सर, मेनी थिंग्स, गूगल फॉर्म्स कैसे बनाना है, तो इज रियली वेरी इंटेलिजेंट। सो गुड, इंटरेस्टिंग सेशन निखिल। Next week, I am really looking forward to see and all teachers. ये बताइए मुझे भी ये सब सिखाया है कि लोग ये Zoom meeting में ऐसे कैसे करते हैं, स्कूल में वैसे नहीं होने की दिक्कत हुई। Yeah, thank you. So teachers, please fill up the feedback form. Abhishek ने link डाला हुआ chat पे। Sir, superb session. Thank you, Aarti ji. Very, very helpful. Nikhil sir, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा सेशन नयन सर, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। और नेक्स्ट वीक हम आपको हिला डालेंगे, निखिल आपको दिमाग आपका कर देगा। अरे सर सच में वो देखना है कैसे हैक होता है, सीरियस चीज की जरूरत है सर, इवनिंग का टाइम मिल रहा है और काफी कुछ जानने को, नया कुछ जानने को मिला है। टीचर्स जिसको आज के वेबिनार का सर्टिफिकेट विल बी गिविंग इट एज यूजुअल, प्लीज फिल अप फीडबैक फॉर्म, आपको सबको जो भी फीडबैक फॉर्म फिल अप होगा उसको हम सर्टिफिकेट भेज देंगे, आई मीन विल बी शेयरिंग सर्टिफिकेट। तो फीडबैक कंपलसरी है। हां मैडम सर, मैंने पूरा यस लगते हुए भेजा, बहुत अच्छा है, बहुत सुपर। अरे आरती जी ऐसे मत करो, जेन्युइन फीडबैक दो हमको, क्योंकि नो रियली इट्स अ जेन्युइन सर, निखिल सर पूरा फुल मार्क्स। ठीक है, थैंक यू निखिल, आपके फैन बढ़ गए अभी आज।
थैंक यू. यू गाइस कैन एक्चुअली आपको अगर मेरे सब आर्टिकल्स और ये सब का ट्रैक रखना है यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन. मैं वहां पे सब कुछ शेयर करता हूँ फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम एवरीवेयर एंड मेजरली आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन. ओके सर. निखिल वी हैव एन ऐप कॉल्ड टीचर्स टॉक ऐप. Yes, okay. Yes, I have downloaded it. तो उसपे भी पोस्ट करते हैं हमारे बाकी सब पिक्चर्स को भी काम आएगा. Oh really? Yes, yes, I will. Yeah. मेरा एक कमेंट आया वो. Okay. उन्होंने दिखाया तो मैं स्किप कर रही हूँ. निखिल सर गुड इवनिंग. मेरा एक क्वेश्चन है सर. जैसा आपने बताया कि जब भी हम किसी को मेल करते हैं आपने स्टार्टिंग में बताया कि हम किसी को मेल मैसेज करने जाते हैं तो वहां पे हमें एक मतलब सिक्योरिटी है कि हमें वो कितने घंटे तक देख सकता है या वो मेल कब तक वो अवेलेबल रहेगा वो देख सकता है उसके बाद जो है वहां से डिलीट हो जाएगा. Correct. तो सर ऐसा क्या गूगल पे जो हम लोग अभी नॉर्मली सब लोग जो है गूगल पे यूज करते हैं कहीं पे भी कुछ भी है आपको पेमेंट करना है तो फटाक से हम पेमेंट कर देते हैं और बाद में आइडिया आता है कि नहीं हमें पेमेंट नहीं करना चाहिए था हमें वो पेमेंट रोक देना चाहिए था तो और बैंक में कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आपने जानबूझ के पेमेंट किया है तो अभी उससे रिक्वेस्ट कीजिए फिर वो जो है आपका पेमेंट अगर रिटर्न कर देंगे तो ठीक है नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सके. तो सर उससे रिलेटेड भी ऐसा कोई सिक्योरिटी है कि हम पेमेंट करें और उतने घंटे तक रुका रहे कि हम जब So in this scenario, see, when it is when you do a wire transfer or something, you have that facility. But जब भी आप Google Pay पे वगैरह इधर limited amount ना मतलब वहाँ से कितना transfer करोगे आप 40,000 50,000 वहाँ तक तो you have done Google Pay protocols वो आपका pin डाल के ही payment गया है. So they are not liable for anything. So before making only the payment, you have to make sure that you have done it correctly. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, anything else? I think we should. Pone do ghante ho gaye. Teachers will meet again. Nikhil will be here with us again next week, next Friday, 5 o'clock. And please join. Yes. Aapke irgid aur bhi jo teachers honge, unko bhi invite kariye. Sure. And let everybody understand how to protect themselves, kaise apne aap ko surakshit rakhna chahiye. Aur agle Friday ka session to aur bhi zyada interesting hoga. Nikhil, yeah. Thank you so much, Nikhil, for spending your time. And you've been always helpful. And you never say no, which I'm really admire about you. और आज, I'm sure आज सब teachers को बड़ा फायदा हुआ होगा आपके इस आपके webinar से. Experience certificate, sir. Sanjay ji, we'll get in touch with you. आपको भी आपके WhatsApp पे मैसेज आ जाएगा कल और उसमें आपको सब लिस्ट आ जाएगा स्टेप्स आ जाएंगे कि आपको आपकी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी. ओके. ओके. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू निखिल. बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, sir. Bye, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.